गुड मॉर्निंग। चुंबकत्व एवं द्रव्य, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 5 के हम आज बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के मिल रहे हैं। इस वीडियो में कम से कम आपको 4-5 फॉर्मूले सीखने को मिलेंगे, जानने को मिलेंगे। नए नए कुछ फॉर्मूले हैं जो कंपटीशन में, जब आप जॉब का एग्जाम दीजिएगा तो कंपटीशन में इन सभी फॉर्मूलों का इस्तेमाल बहुत ही अधिक होता है। प्लस में 12 के एग्जाम में भी आपको इन सभी फॉर्मूलों की ज़रूरत पड़ेगी, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है। तो आज का जो ये क्लास है बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कुछ बच्चों की एक समस्या नज़र आ रहा है कि जैसे कुछ लोग नोट्स से शिकायत कर रहे हैं कि सर वीडियो में जो है वो नोट्स में नहीं है। तो पहली बात तो ये कि वीडियो में जितनी बातें बताई जाती हैं वो सारी बातें नोट्स में नहीं लिखाई जाती हैं, ये आप भी जानते हैं। क्लास पीरियड में भी ऐसा होता है, क्लास में सब बातें बताया जाता है तो लिखवाया नहीं जाता है सारी बातें, जो लिखवाना चाहिए वही लिखवाया जाता है। दूसरा चीज़ कि एक वीडियो में था कि हम बार बार बोल रहे थे कि आज इस वीडियो में नोट्स हम नहीं भेजेंगे, इसको उतार लीजिएगा, वीडियो देख करके उतार लीजिएगा, किसका नोट्स नहीं भेजेंगे। उसके बावजूद कम से कम 10-12 बच्चे उस वीडियो का नोट्स मांग रहे थे। इसका मतलब हुआ कि उन्होंने या तो वीडियो नहीं देखा ठीक से, क्योंकि देखा होता तो उनको पता होता कि इसका नोट्स नहीं भेजेंगे ऐसा हमने कहा है, और कह रहे थे कि सर इसका नोट्स नहीं भेजिएगा, इसका नोट्स नहीं भेजिएगा, इस तरह की कंप्लेन थी। तो थोड़ा वीडियो पूरा देखिए, जब भी वीडियो देखिए, एक ही वीडियो देखिए लेकिन सब देखिए, पूरा लगातार देखिए वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक, जो वीडियो देख रहे हैं शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। तो आज के हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉन के कक्षीय गति की व्याख्या करें, इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति की व्याख्या करें, ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति की व्याख्या करें। बड़ा ही बेहतरीन टॉपिक है। तो इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति की व्याख्या करें, इसमें हम कुछ फॉर्मूलों के बारे में चर्चा करेंगे। बहादुर, सबसे पहले तो हम जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें हम परमाणु कहते हैं, प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें परमाणु कहते हैं। परमाणु के केंद्र पर नाभिक होता है, परमाणु के केंद्र पर नाभिक होता है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जबकि नाभिक के बाहर विभिन्न संख्याओं में विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है, जहाँ तक हम जानते हैं कि ये बात, सारी बातें जो अभी हमने बताई वो सब बात आप पहले से जानते हैं। प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें परमाणु कहते हैं, परमाणु के केंद्र पर नाभिक होता है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जबकि नाभिक के बाहर विभिन्न संख्याओं में विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है, इसका मतलब हुआ कि नाभिक के बाहर विभिन्न कक्षाओं में आवेश चक्कर लगाता है, नाभिक के बाहर विभिन्न कक्षाओं में आवेश चक्कर लगाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन पर तो ऋण आवेश है, इसका मतलब हुआ कि नाभिक के बाहर विभिन्न कक्षाओं में आवेश चक्कर लगाता है। आवेश के प्रवाह से विद्युत धारा उत्पन्न होता है, आवेश के प्रवाह से, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, तो आवेश के प्रवाह से विद्युत धारा उत्पन्न होता है। तो हम देख पा रहे हैं कि नाभिक के बाहर विभिन्न कक्षाओं में आवेश का प्रवाह होता है, आवेश का प्रवाह होता है, इसका मतलब हुआ कि नाभिक के बाहर विभिन्न कक्षाओं में धारा का प्रवाह होता है, नाभिक के बाहर विभिन्न कक्षाओं में धारा का प्रवाह होता है, नाभिक के बाहर विभिन्न कक्षाओं में धारा का प्रवाह होता है, नाभिक के बाहर विभिन्न कक्षाओं में धारा का प्रवाह होता है। ये तो फाइनल हो गया कि नाभिक के बाहर विभिन्न कक्षाओं में धारा का प्रवाह होता है। अब हम ये देखने जा रहे हैं कि आखिर धारा का प्रवाह होता है तो कितना होता है, आखिर जब धारा का प्रवाह होता है तो कितना धारा का प्रवाह होता है, चलिए देखते हैं। ये आर त्रिज्या का कोई वृत्ताकार कक्षा है जिसमें ई आवेश का इलेक्ट्रॉन भी वेग से चक्कर लगा रहा है, माना
माना ई आवेश का इलेक्ट्रॉन आर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर भी वेग से टी समय में चक्कर लगाता है। माना ई आवेश का इलेक्ट्रॉन आर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर भी वेग से टी समय में चक्कर लगाता है, इसलिए विद्युत धारा बराबर, आप जानते होंगे फॉर्मूला होता है आवेश बटा में समय, विद्युत धारा बराबर आवेश बटा में समय। तो विद्युत धारा I, आवेश हो गया E और समय हो गया T, तो I बराबर E बाई टी, आई बराबर ई बाई टी। तो बहादुर टी क्या है? तो चक्कर लगाने में लगा समय, एक चक्कर लगाने में लगा समय टी है, एक चक्कर लगाने में लगा समय टी है। तो बहादुर आप जानते होंगे कि समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। तो एक चक्कर लगाने में लगा समय टी, एक चक्कर लगाने में लगा समय टी और तय की गई दूरी टू पाई आर, एक चक्कर लगाने में लगा समय टी, तय की गई दूरी टू पाई आर और चाल हो गया भी, तो टी बराबर टू पाई आर बाई भी। ये फॉर्मूला तो हम लोग पहले से भी जानते हैं, भी बराबर टू पाई आर बाई टी, 11th में भी पढ़ना था भी बराबर टू पाई आर बाई टी, तो T बराबर 2 पाई आर बाई भी। जेन्युइन फॉर्मूला इसकी हम बात करें तो फॉर्मूला होता है भी बराबर 2 पाई आर बाई टी, तो भी बराबर 2 पाई आर बाई टी, तो T बराबर 2 पाई आर बाई भी हो जाएगा, तो T बराबर 2 पाई आर बाई भी। T का मान समीकरण एक में रखिए, समीकरण एक में T का मान रखने पर, समीकरण एक में टी का मान रखने पर, यहां पर टी का मान समीकरण एक में हम रखने जा रहे हैं, तो रखेंगे तो क्या होगा, आई बराबर ई बटा टी के जगह पर टू पाई आर बाई भी, आई बराबर ई बटा टी के जगह पर टू पाई आर बाई भी चला जाएगा ऊपर, तो आई बराबर ई इंटू भी बटा टू पाई आर। बहुत ही एक बेहतरीन फार्मूला ये हम लोगों को नजर आया, बहुत बेहतरीन फार्मूला है, आई बराबर ई इंटू भी बटा में टू पाई आर, यानी नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में यही विद्युत धारा का प्रवाह होता है, यही हमारा धारा का प्रवाह होता है। अब जितना आवेश होगा उतना आवेश, जिस वेग से बह रहा होगा वो वेग, जिस कक्षा में चक्कर लगा रहा होगा उस कक्षा के त्रिज्या, तो पता चल जाएगा कि हर एक कक्षा में कितना विद्युत धारा उत्पन्न हो रहा है, नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में कितना विद्युत धारा उत्पन्न हो रहा है हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। किसी भी नाभिक के कक्षा में, नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षा में कितना आखिर धारा का प्रवाह होगा हम इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। अब बात आती है कि ये तो फाइनल हो गया कि नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में धारा का प्रवाह होता है। ऑर्स्टेड के सिद्धांत के बारे में हम एक दिन चर्चा किए थे, ऑर्स्टेड ने कहा कि जहां कहीं भी धारा का प्रवाह होगा वहां चुंबकत्व होगा, ऑर्स्टेड ने कहा कि जहां कहीं भी धारा का प्रवाह होगा वहां चुंबकत्व होगा। तो ऑर्स्टेड ने कहा कि जहां कहीं भी धारा का प्रवाह होगा वहां चुंबकत्व होगा, और हम यहां देख पा रहे हैं कि विभिन्न कक्षाओं में धारा का प्रवाह हो रहा है, विभिन्न कक्षाओं में धारा का प्रवाह हो रहा है। और जब विभिन्न कक्षाओं में धारा का प्रवाह हो रहा है इसका मतलब हुआ कि विभिन्न कक्षाओं में चुंबकत्व होगा, और ऑर्स्टेड ने कहा कि जहां कहीं भी धारा का प्रवाह होगा वहां चुंबकत्व होगा, और हम यहां देख पा रहे हैं कि विभिन्न कक्षाओं में धारा का प्रवाह है, मतलब विभिन्न कक्षाओं में चुंबकत्व होगा।
और विभिन्न कक्षाओं में चुंबकत्व कितना होगा? विभिन्न कक्षाओं में धारा प्रवाह के कारण चुंबकत्व उत्पन्न होता है। विभिन्न कक्षाओं में धारा प्रवाह के कारण चुंबकत्व उत्पन्न होता है। तो माना आखिर कितना चुंबकत्व उत्पन्न होगा? तो चुंबकीय आघूर्ण बराबर m। तो चुंबकीय आघूर्ण बराबर विद्युत धारा आगुना क्षेत्रफल। चुंबकीय आघूर्ण बराबर विद्युत धारा गुना क्षेत्रफल। अब ये फॉर्मूला जो आप कहिएगा कहां से सर आया, तो ये चैप्टर नंबर 4 जब पढ़ेंगे हम लोग तो उसमें ये फॉर्मूला पढ़ना है। m बराबर एन आई ए, ऐसे तो होता है m बराबर एन आई ए साइन थीटा, लेकिन हम इसको जो है थीटा यदि हम माने 1 रख देते हैं साइन थीटा की जगह पर, तो एन आई ए इसको हम पढ़ना है चैप्टर 4 में कहां से हुआ कैसे हुआ। तो m बराबर एन आई ए, एन फेरों की संख्या है, कक्षाओं की संख्या। तो m बराबर आई गुना ए, चुंबकीय आघूर्ण बराबर विद्युत धारा गुना क्षेत्रफल। ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, बड़ा ही काम का फॉर्मूला है। तो चुंबकीय आघूर्ण बराबर विद्युत धारा गुना क्षेत्रफल, m बराबर आई गुना ए, ये चैप्टर नंबर 4 में हम पढ़ाएंगे। जब पढ़ेंगे हम लोग तो चैप्टर 4 में ये फॉर्मूला पढ़ना है। तो एक बार शुरू से देख लीजिए, फिर से एक बार हो सके तो वीडियो को रिवाइज करके भी देख सकते हैं, और कहीं प्रॉब्लम होगा तो आप बताइएगा कि हाँ सर हमको यहाँ प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आया है। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है हमारा। अब देखिएगा, चुंबकीय आघूर्ण का मान निकालने के लिए हम विद्युत धारा का मान बैठाएंगे, फिर क्षेत्रफल का मान बैठाएंगे। तो कैपिटल M बराबर विद्युत धारा I और क्षेत्रफल A। तो कैपिटल M बराबर विद्युत धारा का मान अभी जस्ट निकाले हैं, E इंटू वी बटा 2πr, और क्षेत्रफल हो जाएगा कक्षा का पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कटेगा, एक r से r कटेगा, एक पाई से पाई कटेगा और एक r से r कटेगा। इस तरह हम देख पा रहे हैं कि हमारा m का वैल्यू निकल जाएगा। अब जो बच गया वो हम उतारेंगे, जो बच गया हमारा e बचा, v बचा, r और 2, e, v, r और 2। तो जो बच गया हम उसको अब उतारते हैं, देखते हैं कि हमारा, तो जो बच गया हमारा उसको उतार के देखते हैं। तो हमारा मान आया है m बराबर 1/2 e इंटू वी इंटू आर। एम बराबर 1/2 e इंटू वी इंटू आर, ये हमारा एक फॉर्मूला हो गया 4। ये समीकरण नंबर 4 हमारा एक फॉर्मूला हो गया, m बराबर 1/2 e इंटू वी इंटू आर। आगे हम लोग बढ़ते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। माना कोणीय संवेग बराबर एक फॉर्मूला होता है जड़त्व आघूर्ण गुना कोणीय वेग। कोणीय संवेग बराबर जड़त्व आघूर्ण गुना कोणीय वेग, एल बराबर आई इंटू ओमेगा। कोणीय संवेग बराबर जड़त्व आघूर्ण गुना कोणीय वेग, एल बराबर आई इंटू ओमेगा। कोणीय संवेग बराबर जड़त्व आघूर्ण गुना कोणीय वेग, एल बराबर आई इंटू ओमेगा। तो एल बराबर आई का फॉर्मूला, जड़त्व आघूर्ण का फॉर्मूला एम आर स्क्वायर, जड़त्व आघूर्ण का फॉर्मूला एम आर स्क्वायर, ओमेगा का फॉर्मूला वी बटा में आर, ओमेगा का फॉर्मूला वी बटा में आर, आई का फॉर्मूला एम आर स्क्वायर और ओमेगा का फॉर्मूला वी बटा में आर।
एक आर से आर कटेगा तो एल बराबर एम आर वी, हम ऐसा भी लिख सकते हैं एल बटा एम बराबर वी इंटू आर, एल बटा एम बराबर वी इंटू आर। अब हम वी इंटू आर का मान यानी समीकरण पांच का मान समीकरण चार में रखने वाले हैं। देखिए समीकरण पांच का मान समीकरण चार में रखने पर, समीकरण पांच का मान समीकरण चार में रखिएगा तो क्या आएगा, तो मान आएगा m बराबर वन बाई टू e इंटू वी इंटू आर के जगह पर l बटा में m। यानी हम कह सकते हैं कि फॉर्मूला आया हमारा m बराबर e इंटू एल बटा टू एम, e इंटू एल बटा टू एम, यह हमारा एक फॉर्मूला हुआ कैपिटल m बराबर e इंटू एल बटा टू एम, e इंटू एल बटा में 2m। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा, एक और नया फॉर्मूला के हम चर्चा करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। कोणीय संवेग बराबर मान m बराबर 1 बाई टू ई इंटू वी इंटू आर, वी इंटू आर का मान हम l बटा m बैठा दिए, बोर के परमाणु मॉडल से, ये वाला पहले लिखिए, बोर के परमाणु मॉडल से कोणीय संवेग बराबर l बराबर h बटा में 2 पाई, बोर के परमाणु मॉडल से एल बराबर एच बटा टू पाई, ऐसे एल बराबर एच बटा टू पाई नहीं होता है, बोर का परमाणु मॉडल कहता है कि कक्षा में चक्कर लगाते समय इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग एच बटा टू पाई का पूर्णांक गुणक होता है, कक्षा में चक्कर लगाते समय इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग एच बटा टू पाई का पूर्णांक गुणक होता है, एल बराबर एन इंटू एच बटा टू पाई, एल बराबर एन इंटू एच बटा टू पाई। और यहाँ पर हम कक्षा की संख्या ऑलरेडी एक लेके चल रहे हैं तो एल बराबर एच बटा टू पाई, एल बराबर एच बटा टू पाई। समीकरण छ में एल का मान रखने पर रखिए तो एम बराबर ई बटा टू एम और एल के जगह पर एच बटा टू पाई, कैपिटल एम बराबर ई बटा टू एम और एल के जगह पर एच बटा टू पाई, तो कैपिटल एम बराबर हो गया ई इंटू एच बटा फोर पाई एम, कैपिटल एम बराबर ई इंटू एच बटा फोर पाई एम, कैपिटल एम बराबर ई इंटू एच बटा में फोर पाई एम। अब यहाँ जानना जरूरी है कि कैपिटल एम क्या है, ई क्या है, एच क्या है, ये सब जानना जरूरी है हम लोगों को। बहादुर यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो कैपिटल एम बराबर ई इंटू एच बटा में फोर पाई एम, तो एच हो गया प्लांक नियतांक, एच हो गया प्लांक नियतांक, ई इलेक्ट्रॉन का आवेश, स्मॉल एम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, कैपिटल एम चुंबकीय आघूर्ण, ई इलेक्ट्रॉन का आवेश, एच प्लांक नियतांक और एम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। अब सब लोग जानते होंगे आप लोग कि इलेक्ट्रॉन का आवेश फिक्स होता है, प्लांक नियतांक का मान फिक्स होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान फिक्स होता है। जब इन सबका मान हमें पता है तो सबका मान बैठा करके हम वैल्यू निकाल सकते हैं, जहां ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, एच
इसका तो मान होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। एच प्लैंक नियतांक जिसका मान होता है 6.62 × 10⁻¹⁴ जूल सेकेंड। एम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जिसका मान होता है 9.1 × 10⁻³¹ केजी। तो सबका मान बैठाइए समीकरण 7 में। कैपिटल एम बराबर 1.6 × 10⁻¹⁹ 6.62 × 10⁻¹⁴ बटा 4 पाई का मान 3.14 और एम का मान 9.1 × 10⁻³¹। इन सब का मान बैठा दिया हमने। अब आप गुना भाग करिए, इन सब का मान बैठा करके आप गुना भाग कीजिए, सबका मान बैठा करके आप सॉल्व करिए और इसका वैल्यू निकालिए, एक्यूरेट वैल्यू इसका क्या आएगा सॉल्व करने के बाद। तो सॉल्व करिएगा तो वैल्यू आएगा 9.26 × 10⁻¹⁴ जूल टेस्ला इनवर्स। ये लगभग वैल्यू है, आप सॉल्व करके देखिएगा, खुद आप लोग ट्राई करेंगे। कैपिटल एम बराबर 9.26 × 10⁻¹⁴ जूल टेस्ला इनवर्स। बहादुर क्यों इस वैल्यू को हमने लिख दिया, क्योंकि ये 1 बोर मैग्नेटॉन के इक्वल होता है। बोर मैग्नेटॉन क्या है? चुंबकीय घूर्ण का एक मात्रक है। बोर मैग्नेटॉन क्या है? तो चुंबकीय घूर्ण का एक मात्रक है। तो शायद आप लोगों को नोटिस किया हो, आप लोगों ने चुंबकीय घूर्ण का यह तीसरा मात्रक हुआ। एक मात्रक पढ़ाए हैं एम्पियर मीटर स्क्वायर, दूसरा जूल टेस्ला इनवर्स और यह तीसरा बोर मैग्नेटॉन। अब कोई पूछ सकता है कि 1 बोर मैग्नेटॉन बराबर कितना होता है? तो 9.26 × 10⁻¹⁴ जूल टेस्ला इनवर्स होता है। 9.26 × 10⁻¹⁴ जूल टेस्ला इनवर्स होता है। 1 बोर मैग्नेटॉन 9.26 × 10⁻¹⁴ जूल टेस्ला इनवर्स। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन के कक्षीय गति की व्याख्या करें जो टॉपिक था हमारा वो समाप्त हुआ। इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति की व्याख्या करें जो हमारा टॉपिक था वो समाप्त हुआ। हम अगले वीडियो में चुंबकीय पदार्थ पढ़ेंगे। चुंबकीय पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, उन 3 प्रकार के बारे में बारी बारी से बात करेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।